400 का चालान किया, 600 के जेल में रखा। सर हमारा मामला ये है कि हम लोग रोड पे चलाते हैं रिक्शा, हम गरीब आदमी सर अपना पेट भरते हैं रिक्शे के जरिए। आज आपको पता होगा सबसे पहले बात यह है कि यहाँ से लेके हम आजादपुर तक जाते थे तो एक से एक ऐसे ऐसे जो चोरी करते थे, चमारी करते थे, सब कुछ करते थे उस टाइम, ठीक है। आज हमें एक जरिया मिला है, एक जरिया मिला है इज्जत से कमाने का, ठीक है सर। उसको ट्रैफिक वाले हमें कमाने के रास्ते को रोका जा रहा है और हमें रोटी खाने के लिए आज तक मतलब वो बहुत तकलीफ में जीना पड़ रहा है हमें, क्या कह रहे हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि 700 रुपए पर मंथ आप दो यहाँ पे, ठीक है, मेट्रो पे लगाने के लिए, ठीक है, नहीं तो आपको 2000 से 4000 या 5000 का चलान काटते हैं वो और सीधा पकड़ते हैं गाड़ी, और पकड़ने के बाद 7 गाड़ी 8 गाड़ी 10 गाड़ी वो उठा लेते हैं। उठा लेने के बाद उनको 2000 रुपए का चलान बोलते हैं, आप या तो 2000 रुपए घर से लेके आओ, ठीक है, और नहीं तो आपको 10000 का चलान काट दिया जाएगा, और 10000 का चलान काट दिया जाएगा, ये 10000 रुपए आपको वहाँ पे करने आएगी करने पड़ेंगे, और ये चलान इतने का है, अगर आपने वहाँ पे नहीं किया तो 10000 अगर आपने वहाँ पे नहीं दिया तो मैं अपना रोकड़ी यहाँ से छोड़ दूंगा, यहाँ पे खड़ा होना बंद कर दूंगा, इतना आपको देना पड़ेगा वहाँ पे, नहीं तो आप 2000 मुझे दे के जाओ। ये कौन बोलते हैं? ट्रैफिक वाले बोलते हैं। अच्छा, चालान आप लोगों का काटते हैं तो रसीद दी जाती है? सर रसीद कुछ नहीं दिया जाता। क्या कहते हैं? अगर वो रसीद देते हैं तो सिर्फ 100 रुपए के पर्ची देते हैं अगर काटते हैं तो, है, अदरवाइज जितने भी पैसे अगर वो रखते हैं, चाहे 2000 ले हमसे या 4000 ले या 5000 ले, वो अपने पास रख लेते हैं वो पैसे। कब से चल रहा है सर ये? करीब पिछले साल से भी चल रहा है, एक साल पूरा हो गया सर। पिछली बार भी हमने अजय यादव जी को मतलब अपना अर्जी लगाया था, तब भी उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुआ, ठीक है सर। उस टाइम ये कहा जाता था, पहले पिछले साल हमें ये कहा जाता था कि आपने केजरीवाल को वोट दे के, ठीक है, अपने गले में फंदा डाल दिया है। ये रिक्शा जो कहता था, ये ट्रैफिक वाले ही कहते थे, जब भी चलान काटते थे यही बात बोलते थे कि आपने केजरीवाल को वोट दे के ना अपने गले में फंदा डाल दिया है, ठीक है, उन्होंने तुम्हारे को ये माला दे दिया है और उन्हें भुगतो आप, ठीक है सर। हमारा कहना ये है सिर्फ, अगर हमारी रोजी रोटी नहीं चलने दिया जाएगा, ठीक है, तो हमें रोकने की बजाय सबसे पहले इस कंपनी को बंद करें, ठीक है सर। हम गरीब जो 2-2 रुपए या कहीं से किसी का पेट काट के आज हम 1.5 लाख का रिक्शा लेके घूम रहे हैं, चाहे सर हम कमाने के लिए रोड पे निकले हुए बाल बच्चे पालने के लिए, वो 1.5 लाख रुपए तो हमने अकाउंट में जमा करवा दिया उनके, चाहे वो गवर्नमेंट के खाते में किसी कंपनी का खराब हो रहा है। तो पुलिस वाले चालान करते हैं, 10-10 हजार का कर देते हैं, किसी का 12 हजार का, नो पार्किंग बोल करके कर देते हैं चालान। गरीब आदमी कर्जा ले लेकर के गाड़ियां बना रहा है, किसी से लेकर के कर्जे वाला तो नहीं साफ छोड़ेगा। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मोदी जी का खास बंदा हूँ, और मोदी जी को मैंने यूपी में खुले के वोट दिखाए, फिर मुलायम सिंह को छोड़ सारे। और हम गरीब जो रिक्शा वाले हैं, ये दिल्ली पुलिस जो है ट्रैफिक पुलिस, ये किसी को ना तो कहीं स्टैंड पे 5 मिनट भी रुकने देती है, सवारी उठाओ तो उठाने नहीं देती। हमारे स्वरूप नगर स्टैंड के अंदर हम लोग, दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे को रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, सरकार कमर्शियल बैज दे रखा है, कमर्शियल लाइसेंस दे रखा है, और हम ये ना रिक्शा चला सकते हैं। बल्कि स्वरूप नगर स्टैंड के अंदर से सुबह सुबह इको वैन निकलती है, इको वैन से 10-10, 12-12 सवारियां वो भर के ले जाते हैं। 5 नंबर वाले उनको कुछ नहीं कहते, ट्रैफिक पुलिस वाले उनको चलवाते हैं उनसे पैसे लेके। मगर ये रिक्शा जो है जिन्होंने हमारे गवर्नमेंट ने, सरकार ने, दिल्ली सरकार ने हमारे को रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, हम कहीं रुक नहीं सकते। सब लोग जो है मगर हमने मान लो ब्याज पे पैसा उठा के 1.5-2 लाख की ये मगर रोजी रोटी कमाने के लिए ये गाड़ियां ले रखी है, तो हम सर कहाँ जाए। और आपने देखा होगा कि कई लोगों के मतलब मान लो काफी चालान कटे हुए हैं। अरे चालान सही कटे हैं या गलत कटे हैं? सही ऐसा है जी, देखो मेरी बात रो, आप अमाउंट देख सकते हो, आप अमाउंट देख सकते हो, इनके जूम करके देख लो। हाँ सरकार जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटे हैं, आप जूम करके देख लो इनकी अमाउंट कितनी कितनी है। एक रिक्शा वाला अगर मान लो 10-11 हजार का या 7 हजार का 5 हजार का चालान उसका कट जाएगा, वो तो फांसी ले लेगा।